मैं रितु बारहवीं कक्षा की छात्रा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भाटल खरगड़ा हिसार। मेरी गाइड टीचर है मंजू शर्मा और मेरी बेस्ट फ्रेंड भी इस मॉडल तैयार करने में मेरी बहुत हेल्प की है। देखिए मॉडल दिखाने नहीं, मॉडल दिखाने नहीं दिलाने आपका ध्यान आए हैं, विज्ञान के इस मंच पर वैज्ञानिक समाधान लाए हैं। गुलाय है जीवन में गणित जैसे वायु और जल, गुला है जीवन में गणित जैसे वायु और जल, सब विज्ञानों की माँ है ये, विकट समस्याएं आसान हल। हम देखते हैं कि भारत में 10,189 पेशेंट पर एक डॉक्टर काम करता है और आज के समय में हमारी सबसे बड़ी समस्या रहती है कोरोना। कोरोना क्यों ना हम कोरोना योद्धाओं का काम का बोझ हल्का करें, जिन्होंने बचाया देश को, आइए उनकी मदद करें। हम देखते हैं कि अकेले कोरोना के लिए दो दो ऐप अवेलेबल हैं, आरोग्य सेतु और कोवैक्सीन। फिर अन्य बीमारियों का क्या होगा? क्या हम ऐसे ही अनेक एक एक बीमारी के लिए दो दो ऐप बनाएंगे? क्यों ना हम एक ही ऐप में सब बीमारियों को एकत्रित कर दें? हमारे मॉडल का शीर्षक है यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन ऐप मोबाइल ऐप डेमो। हम देखते हैं कि हमारा शिक्षा विभाग ऑनलाइन जहाँ पर हमारे एहसान एंड राज्य स्तर पर यूज किए जाते हैं, एक क्लिक पर स्टूडेंट का पूरा डाटा निकल आता है। हमारे बैंक ऑनलाइन जहाँ पर हमारे अकाउंट नंबर राष्ट्रीय स्तर पर यूज किया जाता है, एक क्लिक से वहाँ पर भी हर यूजर के डाटा निकल आता है। तो फिर हमारा चिकित्सा विभाग ही पीछे क्यों? उसके लिए हम उसके वहाँ पर भी हमें चाहिए UHID नंबर। अब हम देश के सब हॉस्पिटल होंगे करेंगे एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर। सरकार आपको देगी एक आधार बेस्ड UHID नंबर, यानी कि यूनिक हेल्थ आइडेंटिफिकेशन नंबर। आइए देखिए हार्ट स्टेंट की कीमत कहीं 4,000, कहीं 40,000, कहीं 4,00,000, ऐसा अंतर क्यों? क्या हमारे UHID से लगेगी लगाम? आइए हम देखते हैं कि डॉक्टर हमसे नहीं मांगेंगे पुरानी पर्चियां, क्योंकि मरीज का सारा रिपोर्ट होगा एक क्लिक पर। हम देखते हैं कि हम कभी भी नया हॉस्पिटल चेंज करते हैं तो वहां पर हमें पर्चियां मांगी जाती हैं। जब पढ़े लिखों से ही पर्चियां गुम हो जाती हैं तो अनपढ़ों का क्या होगा? उसी समस्या को आसान बनाने के लिए हमने देखा है कि हमने एक UHID नंबर जनरेट किया है। ये नंबर हमने अपने मैथ के एक टॉपिक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पर बेस्ड है। हम देखते हैं कि ये नंबर कैसे जनरेट हुआ है। ये RI, ये हमने अपने नाम के दो वर्ड लिए हैं, जैसे मेरा नाम रितु है तो मैंने RI वहाँ से ले लिया। अगले टू डिजिट्स यानी कि 04 वो मैंने अपने बर्थ ईयर से ले लिए, क्योंकि बर्थ ईयर को देखकर डॉक्टर बहुत बार मेडिसिन देते हैं। अगले 7 डिजिट्स मैंने अपने आधार कार्ड से लिए हैं और लास्ट डिजिट हमने जेंडर के लिए यानी कि मेल फीमेल ट्रांसजेंडर के लिए रख लिया। आइए हम देखते हैं कि ये कब तक अवेलेबल हो सकेगा और इससे कितने नंबर हम जनरेट कर सकते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेस पर RI यानी कि कितने हमारे पास वैकेंट प्लेस हैं और कितनी हमारे पास चॉइसेस की गुना होती है। तो हम देखते हैं कि RI यानी कि हमारे पास 26-26 लेटर्स होते हैं, तो उसमें 26-26 वहाँ से आगे सबके लिए हमारे पास 10-10 जीरो से लेकर 9 यानी कि 10 डिजिट्स और F यानी कि मेल फीमेल और ट्रांस यानी कि 3 चॉइसेस हमारे पास इसलिए रहती हैं। तो ये सब हमारे पास हो गए 20,280 करोड़ संख्याएं उपलब्ध। फिलहाल वर्तमान में हमारी संख्या लगभग 130 करोड़ है, तो यानी कि हम ये नंबर आने वाली अन्य सदियों तक जनरेट कर सकते हैं और हमें इसे बदलना नहीं पड़ेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमारे पास ये होता है कि जितनी हमारे पास वैकेंट प्लेस है उसके ऊपर हम चॉइसेस कर दें तो हमारा आंसर आ जाता है। आइए अब हम देखते हैं हमारा ये ऐप काम किस तरह करता है। तो हमारे पास मोबाइल में एक ऐप अवेलेबल होगा UHID ऐप। हम अपने मोबाइल से अपने दिए हुए QR कोड और UHID नंबर को स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद हमारे पास आफ्टर स्कैनिंग QR कोड UHID ऐप में हमारे पास ये सब आ जाएंगे, जिनमें हमारे पास होता है पेशेंट पर्सनल रिकॉर्ड यानी कि पेशेंट का क्या नाम है, उसका क्या जेंडर है, उसकी क्या एज है। नियर बाय हॉस्पिटल में अगर कोई इंसान नई जगह पर शिफ्ट होता है तो उसे पता चल जाए कि उसके आसपास कौन कौन से हॉस्पिटल अवेलेबल हैं, कितनी दूरी पर हैं,
जैसे हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में हमें बहुत सारी प्रॉब्लमों का देखना पड़ता है कि वहाँ कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, कितनी दूरी पर हैं, तो वो सब हमारे पास यहाँ आ जाएंगी। मेडिकल हिस्ट्री में यानी कि पेशेंट को क्या एलर्जीज हैं, क्या रिएक्शन है, अगर हम देखते हैं भाई कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पेशेंट को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, तो पेशेंट डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है कि क्या हम मेडिसिन दें, क्या क्या ट्रीटमेंट करें, क्या क्या उसे एलर्जीज हैं। तो अगर उसके पास QR को UHID नंबर होगा तो डॉक्टर को पता चल जाएगा और इलाज करने में आसानी होगी। आगे हम देखते हैं हेल्थ स्कीम्स फॉर यू, यानी कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स हैं, जैसे आयुष्मान है, तो जो इसमें चाहे अमीर गरीब कोई भी हो उसे लाभ मिल जाएगा जो इसके लिए उपयुक्त है और जिसके लिए बनाई गई है। सजेशंस भी हम यहाँ पर अपने दे सकते हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, हर कोई अपने सजेशंस यहाँ पर डाल सकता है। अभी हमने इसे ऐप को बस शुरू ही किया है, आपके हेल्प से हम इसे और अच्छा बेहतर बना सकते हैं। इमरजेंसी का भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन रहता है, एक क्लिक से पता चल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि कहाँ पर कोई इमरजेंसी है, एम्बुलेंस आ जाएगी। आइए अब हम देखते हैं कि UHID के लाभ क्या हैं। सबसे पहले पेशेंट को पुरानी पर्चियों से छुटकारा मिल जाएगा, उन्हें इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी कि उन्हें पर्चियां संभाल के रखनी है या किसी और हॉस्पिटल में जाएंगे तो अन्य टेस्ट देंगे और पैसे वेस्ट होंगे। और डॉक्टर पेशेंट के लिए एलर्जी है, रिएक्शंस है, वो डॉक्टर को पहले ही पता चल जाएगा तो डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट करने में ईजी होगा। प्रशासन यानी कि सरकार कोई भी स्कीम्स अवेलेबल करती है तो सामान्य व्यक्तियों तक वो पहुंच जाएगी, उन्हें पता चल जाएगा कि क्या क्या उनके लिए नई नई स्कीम्स अवेलेबल हुई हैं। हॉस्पिटल के कर्मचारियों को तो छुटकारा मिल ही जाएगा उनके फाइल वर्क से, क्योंकि फिलहाल हम देखते हैं कि कोरोना में टाइम ही नहीं है कि हम फाइलों को संभाल के रख सके, इसलिए प्रशासन को वहाँ से तो छुटकारा मिलेगा ही और वो अपना टाइम एक अच्छी जगह पर लगा पाएंगे। और पर्यावरण के लिए तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे पास रहता है यानी कि सेव पेपर सेव इन्वायरमेंट। अब हम देखते हैं कि जो हमारा UHID ऐप है यानी कि UHID नंबर, वो फिलहाल भारत के सबसे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल एम्स जो कि दिल्ली में अवेलेबल है वहाँ है, पर वहाँ की दो डिसएडवांटेज रहती हैं, यही कि एक तो वो सिर्फ एम्स हॉस्पिटल में ही काम करता है, वो किसी और अन्य हॉस्पिटल से साझा नहीं है, और दूसरा यहाँ की ये समस्या है कि वो सिर्फ 9 डिजिट्स का ही है यानी कि लगभग 100 करोड़, तो लेकिन जनसंख्या हमारी 130 करोड़ है तो वो सबके लिए अवेलेबल नहीं हो सकता, इसलिए हम इन समस्याओं को देखते हुए अपने ऐप को एक इस तरह तैयार किया है कि ऐसी कोई समस्या फ्यूचर में अवेलेबल ना हो। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमने QR कोड के लिए ये कैसे लिया है, हमने ये स्मार्ट वॉच से प्रेरित होकर लिया है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारी वॉचेस फ़ोन से कनेक्ट होती हैं, उसी तरह हमने इस QR कोड को यहाँ पर रखा है जिसे हम अपने फ़ोन से स्कैन कर सकेंगे, और हम इसे अपने हाथ पर वॉच की तरह पहन भी सकते हैं और दिव्यांग व्यक्ति से गले में एज ए लॉकेट भी डाल सकते हैं। इस बैंड पर हम देखते हैं कि क्या क्या अंकित होगा, तो इसमें हमारे पास ये नंबर भी अवेलेबल होगा और ये QR कोड भी अवेलेबल होगा, QR कोड से ही हम स्कैन कर पाएंगे। और फ्रेंड्स अभी तो हम इस ऐप पर सिर्फ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, और अगर गवर्नमेंट और IITian हमारी हेल्प करते हैं तो हम इस ऐप को जरूर बनाना चाहेंगे और अपने देश की एक बड़ी समस्या को हल करना चाहेंगे। थैंक यू एवरीवन।